हाथरस के रतिभानपुर में बीते दिन सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से हुई कई लोगों की मौत से देश सन्न रह गया। मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कई घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें ज्यादातर की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की और कहा कि हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी इस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए दुख व्यक्त किया है। मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है, मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूं। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में आई है, सो वो है 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टरऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची, ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। क्यों हुआ है कि सरकार या किसी से मदद नहीं कर सकता, बड़े अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुंचाई जाएगी और इसकी प्रॉपर देखभाल होगी क्यों हुआ है। उधर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना का जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को इस बात की जानकारी ही ना हो कि इस तरह के आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। बहुत दर्दनाक है, इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतजाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करा पाए और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है
तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। न ऑक्सीजन मिली, न दवाई मिली, न एम्बुलेंस मिली और न कोई इंतजाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है, दुनिया में विश्वगुरु बन गए हैं। बताते चले कि पूरे देश को झकझोर देने वाला यह हादसा तब हुआ जब नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद उनका चरण रज लेने और दर्शन करने के लिए लोग आतुर हो गए। मरने वालों में 108 महिलाएं, 7 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। कई लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस सत्संग के लिए 80,000 लोगों की उपस्थिति की प्रशासनिक अनुमति थी, लेकिन मौके पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।